क्या बद्री विशाल दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं उत्तराखंड से। और दोस्तों आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी मस्त हूँ स्वस्थ हूँ। और अभी खुशी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गई हूँ। हम दोनों के दोनों जा रहे हैं गाँव, क्योंकि आज हम दोनों ऐसे जा रहे हैं, हमारा सफ़र होने वाला है ऋषिकेश से हमारी गाँव तक का। तो बने रहे आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में। तो दोनों के दोनों निकल रहे, अकेले जा रहे दोनों के दोनों। तो आधे रास्ते में तक क्लास छोड़ेगा हमें, फिर हमें वहाँ पे गाड़ी मिलेगी, हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी, उसके बाद गाड़ी मिलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं, निकलते घर से, बने रहे आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम दोनों पहुंच गए गाड़ी में, गाड़ी के अंदर बैठ रखे हैं अभी तक। फिलहाल भी पता नहीं कब तक जाएंगे, जब तक सवार नहीं आएगा। तो खुशियों में सबसे आगे बैठे हैं, देखते कब तक पहुँचते हैं। ठंड इतनी भयंकर वाली लग रही है ना, कहीं बोला दोस्तों ठंड के नाम पर गाँव मत बोलना कभी। बाहर देखने तो अंधेरा हो रखा अभी, तो देखते कैसे कैसे रहता हमारा सफ़र। तो अभी तो हम गाड़ी में बैठ रखे हैं, और हम दोनों तब से ऐसे बैठे हुए, इतनी ठंड लग रही है, बोले मुझे तो जुकाम नहीं गया, थोड़ा थोड़ा दादा की कॉल आ रही है। सो गाइस अभी फिलहाल हम पहुंच गए घनसाली। इतनी भयंकर वाली हालत खराब हुई ना गाड़ी में, क्या बोलूँ, ब्लॉग बनाने के लायक ही नहीं रहे। खुशी और मेरी तबीयत बहुत भयंकर वाली ख़राब हो चुकी थी। और अभी हम घनसाली से दूसरी गाड़ी में बैठेंगे अपने गांव वाले। तो अभी गाड़ी वाले आ गए हैं, तब बैठेंगे, तब के रिजल्ट चले जाएंगे। इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना, मैं कहा बोलूँ, जम से ही हम। और उल्टी से तो ऊपर से उल्टी से इतनी भयंकर वाली हालत ख़राब होगी, क्या बोलूँ दोस्तों। यहाँ पर देखना, मैं हमारी दादी मिल गई, दादी प्रणाम। हाँ तुम ठीक है? झाट का चाची का खुआ भयंकर आलू, तुम अकेला ही। दोस्तों यहाँ देखना कितनी गाड़ियाँ लगी हुई, जिस गाड़ी में हमने जाना हुआ आया नहीं, हमने अपना सामान यहाँ पे रखा हुआ है। धूप ढूंढने पे लगे हुए, लेकिन हमें धूप पे ले नहीं रही बिल्कुल भी, इतनी ठंड हो रही है ना यहाँ, यहाँ धूप मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम यहाँ पता कहाँ पे आ रहे हैं बता दो ना। हम दोनों किसी की दुकान के पीछे ऊपर छत में खड़े हो रखे हैं, मतलब रोड के बगल में ही। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आ रही है, इतनी भी नहीं आ रही, पर क्या ही बोलो, घनसाली में कभी धूप ही नहीं रहती सर। सो गाइस यहाँ पे हमें लेने के लिए आ रखी बुड्ढी दादी और चाची। और क्या बोलो, इतनी भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई है ना। अभी सामान निकाल रहे हैं, कुछ सामान निकाल दिया। किसी की हालत देखना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यार यहाँ। दोस्तों यहाँ पे देखना है, सबके सब लगा रहे रस्सी पे सामान जितना भी था। दादी भी सामान लेने गई थी घनसाली, दादी से आए। यहाँ पे बुड्ढी जी गैस लेके जा रही है, बुड्ढी आए कर, आए कर, आए कर, आए कर। ये चाची, चाची यहाँ पे आटा, हेलो देखना, चाची नहीं बोलते। हाँ सिलेंडर है वो, तो है तो उसके अंदर गैस ही ना। तो ये इतना सारा सामान है, कैसे लेके जाएंगे, कुछ कुछ सामान। गाइस मैं ये इतना बड़ा बैग ले रखा, इसको लेके चढ़ूंगी मैं। सो दोस्तों आपको ये रास्ते तो याद ही होंगे, ये यहाँ ऊपर हमारा प्यारा सा घर। तो अभी हम जा रहे हैं घर, चाची और दादी तो पीछे ही है, हम जल्दी जल्दी आएंगे दोनों के दोनों। मैं तो कूं
फिर ऐसे ऐसे करते ऐसे गाइस बहुत तो दोस्तों भी आ गया हूँ बाहर एंट्री गेट लोगों को दिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा थक गया सबसे पहले यहाँ पे आ गया ये देखो इतना प्यारा लग रही है और यहाँ पे दादी ने खेती कर रखी है वो बाद में बताएंगे ये हमारा घर प्यारा सा है भैंस तो जंगल जा रखे होंगे यहाँ पे देखने के इतने सारे फूल हो रखे हैं अच्छा लग रही है ना ये खुशी और मैं आ गया बहुत लग रही है पहन कर आ गया अभी हमने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया आज तो गाइस यहाँ पे देखना सबके साथ चाची खाना रखती है चाची चाय चाची मामू क्या तो कहने यहाँ पे खाना खाने की तैयारी चल रही है क्या आज के खाने में कड़ी आज के खाने में कड़ी और हरी सब्जी और घर के चावल है काच कड़ी परे सर बना आज कुछ अच्छा और ये यहाँ पे एक बुआ रही है पता नहीं क्या कर रही ठुमके लगा रही इधर उधर और दादी ने अपने अंडे घनसाली में ही छोड़ दिए बस तो मेरे बाल देखना कैसे हो रखे हैं तो अभी जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं पाँच चार तैयारी में ये यहाँ पे छुट्टा की ये देखो यहाँ पे सच मैं चाहती मैं आई आपके यहाँ तो गाइस यहाँ पे देखना ये दोनों चुन्नु मुन्नु आ गए स्कूल से हेलो आप क्या बोलना चाहोगे क्यों थक लग गई क्योंकि वो वहाँ से आते पैदल चल चल के घर तो इनको थक लग गई ये दोनों चुनु मुनु खाएंगे अब खाना अब मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आ रही एक गिफ्ट लेके आ रखी जो तुझे बहुत पसंद अच्छा सुई जो तुझे बहुत पसंद आएगा देखो हैं हैं अरे तुझे अभी देखो इसको देखना ये कुछ बोलता भी नहीं है ये देखना रिएक्शन देखना पटाखों का देख के पटाखे गाइस ये अनार है वो पटाखे है ये फुलझड़ी है और दोनों के लिए ये तो नाकाल निकालेंगे आंग निकालेंगे गाइस ये देखना ये अभी से यहाँ पे जो बंदूक थी मात्र 10 रुपए की बंदूक डर कैसे रहा अभी बोलो तब बच्चे वाली बन लेना दोनों दिया धुआं निकाल रहा खतरनाक वाला ओ भाई अल्लाह फिर से आज कर रहा खराब तो गाइस सबसे अच्छा तो हमारे पास ही है दोस्तों मैं जैसे इस रूम में आई ना एंटर किया जैसे मैंने इस रूम में तो वैसे मुझे यहाँ का कुछ ऐसा सीन दिखा क्या हो रहा है ये चाय का गिलास देखना कितने दिन हो गया ये सूख रखा देखना हालत क्या हो रही है यहाँ की तो गाइस मैं वहाँ पे पढ़ाई कर क्यों अच्छा अंकल ये लड़का हर रोज ऐसे ही यहाँ पे अकेले स्कूल से आता है खाना निकालता है टीवी लगाता है खाना खाता है इसको देखना फोटो खींचना है कि चल तो भी खाना खाओ उससे सीख चल तो दोस्तों अभी फिलहाल खाना खाने के बाद हमने सोचा बर्तन भी नहीं धोए हम दोनों सीधे यहाँ पे बैट बॉल खेलने लगे थे ऋतिक ये अमित और मैं और मैंने ना बॉल के छक्का मारा छक्का तो ना बॉल सीधे नीचे आ गई ऊपर से वहाँ खेल रहे थे हम सीधे यहाँ आ गई ये देखना कैसे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बॉल ढूंढने का स्टाइल ला मेरे पास से खेत खेत में तो नहीं गई होगी गाइस ये डंडे से हमें ऐसे ऐसे करके इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि मैं क्या बोल रही थी
तो गाइस यहाँ पे बॉल मिल चुकी है नीचे। मैंने इसको पहले बोल दिया था नीचे खेत में होगी, वहाँ नीचे खेत में ही थी बॉल। तो अभी फिलहाल हम फिर से जाते हैं, देखते हैं अगर लाइट आई होगी तो गर्म पानी से बर्तन धोएंगे। दोस्तों यहाँ पे चाची भी आलू लेके आ चुके हैं, ये उस टाइम वाली छिड़ गई थी सबके पास सामान की। चाची अभी फिलहाल हमारा स्टार्ट हो गया, मतलब स्टार्ट तो कब हो गया था, ब्लॉग अभी हम गए। तो अभी फिलहाल ये मुझे बॉल देगा, कैसी बॉल देगा, ठीक है। सो गाइस अभी खुशी को दे रहा है ये बॉल। जा आप तू जा जल्दी जल्दी फिर जा रही भाई ही मैं मार रही तो यार बॉल वहां चली गई। गाइस बॉल प्याज में चली गई है, यहाँ देखना, यहाँ यहाँ देखना चाची हंसने पे लगी हुई। तो अभी फिलहाल समाप्त हुआ क्रिकेट आज का यहाँ पे, और बिना रहे रंजना अमिता लूजर। तो अभी फिलहाल अब रात होने वाली है, अंधेरा होने ही वाला है, तो खाने की तैयारी करते हैं अभी रात की। सो गाइस यहाँ पे देखना अभी ये अभी तक लगाओ खेलने पे। तो कौन आया जवाब, क्या लेके आई, क्या लेके आई, पीले लड्डू, ये देखना लड्डू ला रखे। बस दो कहाँ से, कहाँ खान सर, इसकी मम्मी अपने मायके से लाई। सो गाइस अभी यहाँ पे चल रहे रात के खाने की तैयारी, चूल्हे में आग जल चुकी, चाची आग सेक रही, दादी पता नहीं क्या कर रही, ये खुशी आप सब्जी काट रही है, कटिंग किसने की, चाची ने की ना, चाची की, ये आटा गूंथने के लिए मैं बनाऊँ सब्जी, बना देगी ना, चटपटी बनाई हूँ। हेलो 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 हेलो, कुछ बोलना चाहते हो? हेलो रीति, ये रीति शर्माता है दोस्तों, पता नहीं क्यों शर्माता है। ये देखो ये तो क्या ही बोले, ये कभी नहीं शर्माता। और हम खा रहे हैं यहाँ पे सोन पापड़ी, पर पापड़ी नहीं है चूरा पूरा ही। तो यहाँ पे दूध रखा गर्म करने के लिए, लगा है सबके साथ, इसको देखा। फिलहाल हमारा डिनर भी हो चुका है और अब सोने का टाइम भी हो गया, नींद आ रही है 8 बज की रात की। आप लोगों को पता है गांव में जल्दी सो जाते हैं। ये देखने यहाँ पे दादी अपने फोन चला रही है, वीडियो देखते रहती है दादी यूट्यूब में। हाय, बोल चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और धन्यवाद।